इंडिया वैकेंसी। जी हाँ, कब आ रही है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और आप शायद पिछले एक साल से सुन रहे होंगे। पहली बार ये खबर आई थी 23 जनवरी 2017 को, और अभी लेटेस्ट जो आया है वो आया है 16 दिसंबर को। एक साल होने चले और अभी तक कोई भी खोज खबर नहीं है इसकी। तो इसी पर हम आज बात करेंगे कि कब आ रही है रेलवे वैकेंसी, और क्या ये खबर सच है या झूठ है, अगर आएगी तो कब तक आएगी। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी अगर आएगी तो किस चीज़ में आएगी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक संरक्षक श्रेणी सेफ्टी डिपार्टमेंट में भर्तियाँ होनी है। इनमें रनिंग स्टाफ है, लोको ड्राइवर है, स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर है, कंट्रोल और यार्ड स्टाफ है, सिग्नल इंस्पेक्टर और मेंटेनेंस एम्प्लॉई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक खबर के मुताबिक साल 2015 में 1,24,201 पद थी, साल 2016 में ये घटकर 1,22,763 हो गई है, और साल 2017 में यानी कि आज के दिन ये लगभग 1,00,000 भर्ती होने की बात कही जा रही है। अभी कही जा रही है, अभी कैसे सब नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट में करीब 24% पद रिक्त पड़े हुए हैं। जी हाँ, यानी कि 25% जो है वैकेंसी वैकेंट है सिर्फ और सिर्फ संरक्षक श्रेणी यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में, बाकी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड्स की भी नियुक्ति की जाएगी, जूनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी भर्ती की जाएगी सेफ्टी कैटेगरी में। जी हाँ, इस भर्तियों में 50% जो पद रहेंगे ग्रुप सी के, वो आरआरबी करेगा यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा। अब आते हैं ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का 50% पद पर भर्तियाँ करेगा आरआरबी, और बाकी 50% पर करेगा आरआरसी। चलिए अब देखते हैं वेट कब तक। जी हाँ, जनवरी 23 जनवरी से हम लोग सुन रहे हैं, पूरा साल खत्म हो गया, तो अभी तक कुछ और खोज खबर नहीं है। तो आपको बताते चलें कि पहली बार 23 जून 2017 को नालंदा में कुछ स्टूडेंट ने बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पे, जी हाँ, वहाँ पे हंगामा किया था कि रेलवे में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो 23 जनवरी से ही सुन रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जब जून तक नहीं आया, वैकेंसी नहीं आया, तो स्टूडेंट ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये पहला वाक्या था। अब आते हैं लेटेस्ट वाक्या, 16 दिसंबर 2017 को। जी हाँ, 16 दिसंबर 2017 को भी तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, बिहार में ही, क्यूल साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर फिर से हंगामा किया गया कि वैकेंसी अब तक क्यों नहीं आई। जी हाँ, तो आप एक दिख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से लेकर के कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें वादा किया गया था, ऐसा बताया गया था न्यूज़पेपर में और भी कई माध्यमों से वैकेंसी आ रही है, लेकिन जब पूरा साल बीत गया वैकेंसी नहीं आई, तो स्टूडेंट का जो सोचने समझने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जॉब देते जा रही है। अब करते हैं मुद्दे की बात। जी हाँ, कि कब आ रही है वैकेंसी, और ये फेक है या रियल है, या कोई टेंटेटिव डेट है कि नहीं। तो जी हाँ, नोटिफिकेशन विल कम दिस ईयर ओनली, दैट इज 2018 ओनली। जी हाँ, ये तो श्योर है कि 2018 में वैकेंसी तो आएंगी। कितनी आएंगी, 1,00,000 आएंगी, उससे कम आएंगी, लगभग 1,00,000 आने की संभावना है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में 89% तक घट गया है। जी हाँ, 89% तक घट गया है। ये कहना किनका है, जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर है वो। चलिए, तो इसका कारण देखते हैं कि अगर वैकेंसी आएगी 2018 में तो क्यों आएगी। ठीक है, तो पहला कारण है कि ह्यूज ड्रेस्टिक फॉल इन गवर्नमेंट वैकेंसीज। आपको भी पता होगा, जैसा मैंने ऊपर बताया कि 89% गवर्नमेंट वैकेंसीज कम हो गई है, तो जाहिर है इस साल तो आना ही है। क्यों आना है, तो दूसरा कारण देखिए, जनरल इलेक्शन इन 2019, जी हाँ, तो लॉलीपॉप देना है, तो 2019 में चूँकि जनरल इलेक्शन है, इसलिए 2018 के मिड तक, जी हाँ, 2018 के मिड तक वैकेंसी जाने की पूरी संभावना है। अब बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ है, बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं, तो उस पर भी अगर बात कर लेते हैं,
जी हाँ, ये फेक न्यूज हो सकती है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आजकल मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनड है। जी हाँ, आप भी आजकल देख रहे होंगे मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। और दूसरी बात है कि नेवर एंडिंग इलेक्शन फेस्टिवल, हमारे यहाँ फेस्टिवल लगभग हर दूसरे तीसरे महीने होते हैं, तो वादा तो करना ही है। जी हाँ, वादा तो कर देना है, लेकिन वादा निभाना किसको है? जी बिल्कुल, यही तरीका है कि वादा तो कर देना है लेकिन निभाना किसको है। इसलिए एक बार फिर से वादा किया गया है, हो सकता है ये वादा ऐसा हो, लोगों को झूठ लग रहा हो। और एक और मुद्दा भी है जो वो है कि कोचिंग माफिया। जी हाँ, ये जो बिहार में आपने देखा कि दो बार 16 दिसंबर को और 23 जून को ये जो दो स्टेशनों पे हंगामा किया गया, डिमांड किया गया कि वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, तो ये इसमें बताया जाता है कि कोचिंग माफिया भी कहीं ना कहीं अपने एडमिशन लेने के लिए बच्चों का और पैसा कमाने के लिए ये बच्चों को बहलाते रहते हैं कि वैकेंसीज आएंगी, बच्चे कोचिंग भी ले लेते हैं, मोटी फीस भी रकम अदा करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और उसके बावजूद अगर एक साल बीत जाता है और उसके बावजूद अगर वैकेंसीज नहीं आती है, तब जाहिर है उनका नाराज़ होना ज़रूरी है। यही सब कारण है कि लोगों को शक लग रहा है कि ये वैकेंसीज रियल है या नहीं। जी तो अब आते हैं इसके एग्जैक्ट टेंटेटिव डेट पे। तो जहाँ तक सूत्रों से पता चला है और बाकी चीज़ों से भी पता चला है, मुझे लग रहा है कि ये डेट जो होगा वो मिड 2018 तक आएगा। जी बिल्कुल, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि मिड 2018 तक आएगा, क्योंकि उसके बाद 2019 में इलेक्शन में जाना है, तो इलेक्शन में जाने के लिए कुछ तो मुद्दा होना चाहिए, तो ये मुद्दा काम आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप एक मिनट अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है 2019 के इलेक्शन में होने वाला है, क्योंकि युवा लोग ही इस देश की सरकार को बदले थे और युवा लोग ही इस देश की सरकार को बदलेंगे। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं इस साल के अंत तक अगले साल 2018 में खुशखबरी मिलेगी और कम से कम मिड 2018 तक ये वैकेंसीज आएंगी। आप तैयारी जारी रखिए, यही कह सकते हैं, और ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जी हाँ, आप अपनी तैयारी रखिए, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, जो अपना कर्म है वो करते जाइए, यही कहना है। थैंक यू।